नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नोएडा के सेक्टर 93 में जिस जगह सुपरटेक के अवैध टॉवर खड़े थे, वहां ब्लास्ट के बाद 30 मिनट के बाद धूल का एक गुबार रह गया और एकदम से खाली जगह नजर आई। इसके साथ ही टॉवर के पीछे बनी इमारतें भी दिखाई देने लगी और टावर के जो टावर थे वो मलबे में बदल गए और करीब आधा किलोमीटर के इलाके में धूल फैल गई। आधे घंटे के बाद नोएडा अथॉरिटी के अमले ने एक्सप्लोजन साइट पे मोर्चा संभाल लिया और मलबा पूरी तरह से हटाने में उनका ये एक सोचना है कि 3 महीने लगेंगे। मलबा हट जाएगा, धूल हट जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ट्विन टावर हमारे सामने छोड़ गया है। आज मेरे साथ इन्हीं सवालों पे चर्चा करने के लिए डॉक्टर डीएन यादव जी हैं। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नमस्कार चैनल नमस्कार। पे। मैं दर्शकों आपको बता दूं, डॉक्टर डीएन यादव जी बरेली, आगरा, मेरठ, पुणे, लखनऊ की छावनियों में इन्होंने बेहद अच्छा काम किया और अपनी छावनियों को एकदम चमका दिया। वहां से जितने भी नियम वरुद कंस्ट्रक्शन थे उन सबको हटाया और इस समय यादव जी लखनऊ में हैं एज ए डायरेक्टर है रक्षा संपदा कार्यालय में। मैं अब सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ यादव जी, ट्विन टावर इस समय जमींदोज हो चुका है और आपने भी अब तक के जो आपका जो कार्यकाल रहा है आपने कई नियम विरुद्ध बने हुए निर्माण गिरवाए हैं और ये जो आज एक्शन हुआ है इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए ऐसा मैडम, हिंदुस्तान में जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्युनिसिपलिटी हो या नगर निगम हो या अथॉरिटी हो, उसके अंतर्गत जो निर्माण होते हैं उसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड है और हर स्टेट गवर्नमेंट में हर नगर निगम का अपना एक बिल्डिंग बायलॉज भी होता है। हम सभी जान रहे हैं कि काफी जगहों पर इनका धड़ल्ले से वायलेशन होता है। इन बिल्डिंग बायलॉज को वायलेट करके जो कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, छोटे या बड़े निर्माण किए जाते हैं, उससे लॉस किसको हो रहा है? जनता को, आसपास रहने वाले लोगों को। बिल्डिंग बायलॉज इसीलिए बने होते हैं कि सुविधाजनक ढंग से लोग रह सकें अपने घरों में, अपने कॉलोनियों में। जैसे ही आप बायलॉज का उल्लंघन करते हैं तो समझिए कि जो लिविंग एरिया का जो मिनिमम नॉर्म्स है एक लाइफ के लिए, वो उससे परे जाके निर्माण होता है, तो समझिए कि एक जो मिनिमम लिविंग एरिया है वो खतरे में पड़ता है। तो ये जो आज ट्विन टावर ध्वस्त हुआ है अपेक्स और सियान करके, ये तो जी होना ही था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। जी, लेकिन और सवाल ये है कि कई करोड़ रुपया जो था वो एकदम मिट्टी बन गया, ये भी अपनी जगह एक सवाल है ना? हाँ देखिए, निश्चित रूप से मैडम, आपने कहा कि अच्छा होता कि ये ना बनता, और ना बनने से पहले की बात आती है कि इसकी स्वीकृति नहीं दी जाती। सवाल इसमें छुपा हुआ है, बिल्डर ने क्यों बनाया, बिल्डर ने किसको प्लीज किया? अथॉरिटी के अधिकारियों को। अथॉरिटी के अधिकारी अगर ईमानदार होते, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं बेईमान है, वो दुनिया जानती है कि कैसे हुआ होगा। मैं कह रहा हूं आखिर आपने अपने बिल्डिंग कोड या जो बिल्डिंग बायलॉज है उसको क्यों नहीं परखा? मैं जानता हूं सबको जानकारी होती है। देखिए मुझे नोएडा में कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं पिछले 2 दशक से मैं बहुत नजदीक से जुड़ा हूं। मैं लगभग बिल्डर और कंपनी के कारोबार को नजदीक से देखा है। इस पर मैं एक नोवेल भी मैंने लिखा है जो आने वाले दिनों में अद्भुतल नाम से प्रकाशित होगी। तो मैं बता रहा हूँ होता क्या है कि जो बिल्डर है वो अथॉरिटी में एक प्लान पहले पास कराते हैं, अपने कस्टमर को दिखाते हैं, उसमें काफी सारे पार्क ओपन एरिया होता है, बाद में दूसरा प्लान फिर चुपके से ले आते हैं। कब? जब आपके लगभग 70-80% प्रोडक्ट बिक चुके होते हैं और पजेशन से पहले वो एक दूसरा प्लान सेंक्शन करा लेते हैं। पूरा घालमेल खेल यहीं पर है। ये नोएडा में ही नहीं, मैं पुणे में भी रहा हूँ, मैं झारखंड में भी रहा हूँ, उत्तराखंड में भी रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूं मैडम कि मैं कह रहा हूं कि देखिए इंडिया में जहां भी जो भी पब्लिक बिल्डिंग प्लान सेंक्शन कराती है, पब्लिक या कंपनी या कोई भी बिल्डर, वो अथॉरिटी में बैठे लोगों को
वो प्लीज करते हैं, मैं खुल के नहीं बताना चाहता, लगभग जगह ये मैंने खुद देखा है। और जब तक ये नहीं रुकेगा ये अवैध निर्माण होते रहेंगे। लेकिन लेकिन अभी इतने इतना बड़ा कांड हो गया, थोड़ा खुल के भी बताइए, जो चीज आप ना बताना चाहें वो ना बताएं, लेकिन थोड़ा सा बताइए ताकि लोग अवेयर हो। देखिए मैंने कहा ना कि काश ये बिल्डिंग प्लान, जो ये दूसरा प्लान था सुपर टेक का उस एरिया का जिसमें ये ट्विन टावर स्वीकृत किए गए, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ मूल रूप से कि ये काश ये प्लान सैंक्शन नहीं हुआ होता तो हजारों करोड़ ये जो आज बर्बादी हुई है ये नेशनल लॉस है। नेशनल लॉस के अलावे जिन लोगों ने पैसे दिए, जिनके प्रोडक्ट थे दोनों टावर में, आप उनके बारे में सोचिए। ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको पैसे लौटाने होंगे, कंपनी लौटाएगी, ब्याज लौटाएगी, कब लौटाएगी, लौटा रहा होगा, वो एक अलग बात है, वो बैकग्राउंड की बातें हैं। लेकिन आप उनके दर्द को समझिए, मैं यही कह रहा हूँ, आप दर्द की लाइन ही क्यों खींच रहे हैं, ये सैंक्शन ही नहीं होना चाहिए था। मैं और सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए मैडम, मैं कहूंगा कि ये एक नजीर आनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान के लिए कि अवैध तरीके से जो बनाओगे उसका हश्र ये हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का इसके पीछे माइंड यही है, जो जुडिशियस ब्रेन जो कह रहे हैं वो यही है। तो मैं कह रहा हूँ दूसरा और भी ऑप्शन थे, लेकिन एक नजीर भी बननी थी, उन्होंने तो गिरा दिया। लेकिन सवाल है कि जिन अधिकारियों ने इसे स्वीकृति दी प्लान को, बहुत बड़ा क्राइम है, संज्ञेय अपराध है। हालांकि लोग शायद डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, विभागीय कार्रवाई करेंगे, एक इंक्रीमेंट रुकेंगे, लोग रिटायर कर गए। मैं तो कह रहा हूं ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। जिन अधिकारियों ने किया है, बड़े लोग होंगे निश्चित रूप से। आपकी बात सही है कि ये ऐसे जो आदेश होते हैं, ऐसे जो किए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है, वो एक मैसेज देने के लिए की जाती है। मैं नहीं जानती कि मैं एक सही एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्राइम है हमारे देश में जिसको रोकने के लिए फांसी दी जाती है, फांसी दी गई, लेकिन वो क्राइम आज तक रुके नहीं। हाँ देखिए अब ये नहीं कह सकते हैं कि वो सजा बंद कर देनी चाहिए, फांसी की बात तो अलग है, दुनिया में काफी कम देशों में फांसी है, उसमें से हिंदुस्तान भी है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि आपका अभी ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण पर है। जो अपराध है उसकी सजा तो मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसको ना ये आपराधिक कृत्य है जिसने ये बिल्डिंग प्लान सैंक्शन किया है, जिस टीम ने, जैसे कि सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, ईडी की इंक्वायरी है, काफी सारी चीजें हैं। अगर आप जाएंगे तो अधिकारियों के पीछे भी काफी बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। इसको संज्ञेय अपराध में लेना चाहिए, इसी मामले में नहीं, आगे आने वाले और भी मामले में, क्योंकि ये देखिए ये कई परिवारों का एक मानसिक हत्या है। जी जी जी, आपसे मेरा बात करने का जो भाव था वो यही था, क्योंकि आपने ऐसे जो नियम विरुद्ध निर्माण है जिन्हें हम आम भाषा में अवैध निर्माण कहते हैं, आपने बड़ा नजदीक से देखा है, उन अफसरों को भी देखा है, और उन अफसरों को भी देखा है जो आंखों में धूल झोंकते हैं, जिनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। तो एक कोई केस हिस्ट्री बताइए मुझे कि किस तरीके से इसको रोका और किस तरीके से ये रुक सकता है। मैं केस हिस्ट्री इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, मतलब ये आज का जो कार्रवाई हुई है ट्विन टावर पे, ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है अपने देश में। आपने मुझे एक केस की बात बताने के लिए कहा है तो मुझे थोड़ी सी आगे, इसलिए ऐसे एक नहीं दसियों केस है। मैं क्योंकि देश की बड़ी बड़ी छावनियों में रहा हूँ, आप जानते होंगे छावनियों में जो सिविल पॉपुलेशन है, जो आम नागरिक रहते हैं, उनके उनको भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने लीज पर जमीन दी हुई है, ओल्ड ग्रांड पर है, उसमें उसे कंस्ट्रक्शन का अधिकार दिए हुए हैं बायलॉज और नियम के तहत। तो ऐसे कई उदाहरण है, मैं अगर आपने एक कहा है तो मैं अभी फिलहाल आगरा का बताता हूँ। जब मैं आगरा में रक्षा संपदा अधिकारी आगरा सर्किल के पद पर ज्वाइन किया था, ये बात है अप्रैल 2010 की, तो वहां पर एक बंगला होता है 104A, उस बंगले में 806 कमरे का 5-स्टार होटल का बिल्डिंग प्लान सैंक्शन हो चुका था मेरे जाने से पहले, एक साल पहले। उनका निर्माण भी शुरू हो गया था, मुझे लग रहा है उसके
सिर्फ फाउंडेशन में करीब करीब 2 करोड़ के उनके स्टील लग गए थे सरिया। तो जी जब मुझे पता चला इस बारे में, तो ज्वाइन करने के 1 महीना के अंदर ही मैंने उस पूरे साइट को सील कराया और जो सरिया गड़े हुए थे फाउंडेशन में वो मैंने पूरा निकलवाया। बाद में यह केस, वो जो पार्टी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हार गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। जब तक मैं वहां रहा, मुझे लग रहा है कि मुझे 2.5 साल हो चुके थे, तब मेरे अंतिम साल में सुप्रीम कोर्ट में वो हारा और मुझे बड़ी संतुष्टि हुई। देखिए मैडम, मैं बता रहा हूं, अगर वो 806 कमरे का यूपी का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल होता, वो अगर वो जी बन गया होता, फिर बाद में कार्रवाई होती, वो गिरती, कितना लॉस होता, नेशनल लॉस होता। तो जी इनिशियल जी स्टेज में उसे रोकना चाहिए था। जी और जी दूसरा उदाहरण मैं आपको वहीं का देना चाहूंगा, एक एमएलसी साहब का, नाम नहीं बताऊंगा फिर से, उनका वहां पर एक बियर बार था, उस पर मैंने जी पीपीएफ की कार्रवाई करी, फिर हियरिंग करा, जो उसमें क्वासी जुडिशियल पावर हमें मिले होते हैं, वो खुद आए, धमकी दिया बहुत तरह से, लेकिन मैं डिगा नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, इस बियर बार को गिरना ही पड़ेगा, उसकी आड़ में कई अनैतिक धंधे वगैरह होते थे, उससे और भी लोगों को बढ़ावा मिलता था, तो मैंने उसे गिराया। एक 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 करेज की बात होती है, एक आपको डेयरिंग डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैं इस ट्विन टावर के बारे में भी कहूंगा कि जिसमें ये बनना शुरू हुआ, और मुझे लग रहा है कि उसके बगल वाले, पहले वाले जो यूनिट होल्डर थे, उन्होंने जब भी कहीं भी रिप्रेजेंटेशन दिया, पहले अथॉरिटी में दिया होगा, मुझे नहीं पता, जरूर दिया होगा, तब हाई कोर्ट गए होंगे, अगर उसके रिप्रेजेंटेशन में उसमें कार्रवाई हो गई होती, उसमें खड़ा ना हुआ होता। मैं आपको, आप मेरठ की बात बता रहा हूँ, मेरठ में मछेरान इलाके में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर 2 मंजिल 3 मंजिल बने हुए थे, मीट चिकन मटन के काफी दुकानें थी, मतलब उसका तो कि कह आपने सकते हैं ठीक पूरे पता मेरठ कर में दिया फेमस था। हाँ, जी। तो वहां मैंने बहुत ही पूरी कार्रवाई, नियम संगत कार्रवाई करने के बाद, प्रोसीजरली पूरे इलाकों को कॉट ऑफ करके आर्मी और सिविल पुलिस के हेल्प से शांतिपूर्वक गिराया था। अगर उसे नहीं गिराता तो आगे वो और भी बढ़ता जाता। आपके मेरठ में और भी हैं, सदर मंडी में हम लोगों ने जो अवैध दुकान गिराए थे, जी और लाल कुर्ती में भी कई अवैध दुकान हम लोगों ने गिराए थे, ऐसे कई जी निर्माण बिल्कुल है, पुणे में भी हमने कई गिराए हैं। तो सवाल है कि आपके नजर में जहां अवैध निर्माण की बात आती है, अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उसको आगे के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, ये भी जग जाहिर है। नहीं, समय से पहले इन जो अवैध निर्माण है, अभी ये टॉवर बढ़ता ही चला गया। ये 2004 से एग्जिस्ट होता है, उसकी जमीन एक्वायर करते हैं और फिर जो चीजें लिख करके देते हैं उनका खुद ही वायलेशन करते हैं। उस समय मतलब वायलेशन वहीं से शुरू हो जाता है, जो नियम है उनका बिल्कुल वायलेशन बिल्कुल। वहीं से शुरू हो जाता है। तो मैंने यही कहा ना, जिस समय भी अधिकारियों के नोटिस में ये बातें आती हैं कि जनाब अमुक जगह ये जो निर्माण हो रहा है वो अवैध है, नियम विरुद्ध है, अधिकारियों को उसी उस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, खास करके जो लोकल बॉडीज हैं, इंडिया में नगर निगम है, उसमें काम का ढर्रा ऐसा है कि लोग इसको ग्रांटेड लेते हैं, जो डाक में या रजिस्टर्ड डाक से जो भी कंप्लेन वगैरह शिकायतें आती हैं, रूटीन बेसिस में अधिकारी लोग उसको आगे बढ़ा देते हैं, मार कर देते हैं। ध्यान से पढ़ने की चीज है कि अवैध निर्माण की सूचना मिली है तो आपके दस्ते को वहां जाना चाहिए, नियम पूर्वक कार्रवाई करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको नोएडा का ही, अभी 2 दिन पहले ही हमारे एक रिलेटिव बता रहे थे कि साहब जी उसने किसी बड़ी नामी कंपनी में दुकान लिया है, पूरा शॉपिंग मॉल है, और उसका प्लान में वो बता रहा था कि जब उसने लिया था, उसके प्लान में जो लोअर ग्राउंड है वहां पर कोई कियोस्क रखने वाली बात नहीं थी प्लान में। मैं अभी बता रहा हूँ 1 सप्ताह वाली बात, ये वीडियो भी जी चल रहा है, चारों तरफ भेजा जा रहा है, अगर होगा तो मैं आपको भेजूंगा। जी उस जी वीडियो में क्या दिखाया गया है, उस कंपनी अब लोअर ग्राउंड के जो पैसेज हैं, चौड़े पैसेज 20 फीट का, 25 फीट का, उसमें कियोस्क रख रहा है, बड़े मजबूत कियोस्क रखे जा रहे हैं, 40-40 लाख में बेच रहे हैं। मैंने अपने उस मित्र को सलाह दी, आप इसे तुरंत नोएडा अथॉरिटी के नॉलेज में लाइए, जब अगर बिल्डिंग प्लान में सैंक्शन जो हुआ है शुरू में उसमें नहीं है कियोस्क, उसे दोबारा सैंक्शन कैसे कर दिया, ये एक एक जी अलग घोटाले की श्रेणी में मैं कह सकता हूँ स्कैम है। इसी ट्विन जी टावर के सिलसिले में उनको उदाहरण दिया, सुप्रीम कोर्ट वहां गिराया, आप तुरंत पहुंचो अथॉरिटी या जहां भी, तो हो रहा है, चल रहा है।
रुकने का सिलसिला रुकेगा, इसकी अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी जी नहीं, अभी जिस तरीके से सभी लोअर कोर्ट से, अपर कोर्ट से, देन फिर सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी, और भी मेरे कहने का मतलब कि अभी और बहुत कुछ है वहाँ इस तरीके से गिराया जाना, तो क्या सभी निर्माण इसी तरीके से जमीन दोज होते जाएंगे? क्योंकि कुछ बन रही है, कुछ बनने की प्रक्रिया में है, तो समय रहते जो एजेंसीज हैं जिनको देखना चाहिए उनके लिए आप क्या कहेंगे? बार बार मेरा सवाल वही आता है, राष्ट्र का पैसा जाता है, देश का पैसा आज बर्बाद हुआ है, और देश के जो बिल्डर्स हैं उन्हीं को ही सबक देने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, तो समय रहते जो एजेंसीज हैं उनको अलर्ट करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर नोएडा की अगर बात करें, जी फिलहाल बात अगर नोएडा की हो रही है, तो जैसे मैं अगर नोएडा की ही बात करूं, अभी नोएडा अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना उसके एरिया में हुई है, ये हाँ। कोई बड़े गर्व करने की बात नहीं है, जी गर्व की बात नहीं है ये। नोएडा अथॉरिटी ने उस जो वो कंपनी थी, फर्म थी, जिसके सहारे इतना बड़ा टावर 3700 kg का डायनामाइट लगा के 80,000 क्विंटल टन क्या मलवा गिरा है, सफलतापूर्वक गिरा दिया, ये भी गर्व की बात नहीं है। मैंने कहा था कई करोड़ों की जो बिल्डिंग थी उसको कई करोड़ लगा करके जमींदोज किया गया है, तो मैं वही कह रहा मैडम, ये कोई गर्व की बात नहीं है किसी भी अथॉरिटी के लिए, ये शर्म की बात है, गिराना पड़ा, बना क्यों? तो मैं कह रहा हूँ कि हमें जो कल करना चाहिए, कल करना चाहिए वो ये, किसी भी अथॉरिटी में एक टीम गठित होकर के जितने टावर हैं उसमें आप टिक लगाइए, यस ट्रू, यस क्रॉस, तभी आप जांच कर पाएंगे। जैसे कि इलेक्शन में चुनाव आयोग जब बूथ बनाते हैं, जब वोटर लिस्ट बनाते हैं, मैं भी काम किया हूँ बिहार सरकार में लोअर लेवल में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ से शुरू करते हैं, पहला गाँव को लेते हैं वोटर लिस्ट में, वहां से एक नंबर डालते हैं, वैसे ही अथॉरिटी को शुरू करना चाहिए, किसी एक किनारे से शुरू करो, भले ही साल भर लग जाए, एक एक टावर, एक एक विला, एक एक चीज की देखनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, एक टावर गिराने से कुछ नहीं होगा, इसका सबक तभी है अगर आप काम करें और आपके पास मैन पावर है, नहीं है तो आप मैन पावर बढ़ाएं, ये काम तुरंत होना चाहिए, हर अथॉरिटी होना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि जो मिले उस पर कार्रवाई हो, अगर काम आगे नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है, ये ट्विन टावर गिरने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यादव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शुरुआत में ही इसको रोकना चाहिए, हालांकि ये बहुत दूर की बात है कि आगे इसको नजीर समझ करके लोग इसे समझेंगे, डरेंगे, बिल्डर्स में कुछ खौफ पैदा होगा, ये बात की बात है। आप हम सब जानते हैं कि डर जैसी चीज किसी में दिखाई नहीं देती, और उसको एस्टेब्लिश करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। हाँ, निश्चित रूप से एक डिटरेंट एक्शन है, ये पूरे इंडिया के लिए है, सिर्फ नोएडा की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, और जो आज हुआ वो होना था, बल्कि बिल्कुल ही अच्छा हुआ है, और कोई ऑप्शन नहीं था। देखिए, ऑप्शन अगर ढूंढे, काफी लोग सलाह दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था, उसको नेशनल स्मारक बना देना चाहिए था, बल्कि आज चर्चा में हमारे मित्र यह कह रहे थे उसको करप्शन का टावर नाम दे करके जिंदा रखना था, लेकिन देखिए तो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जो लॉर्ड्स बैठते हैं लॉर्डशिप, वो ज्यादा जुडिशस होते हैं, उनको जो उनकी दृष्टि है हमसे आपसे कुछ ज्यादा आगे के सोचते हैं, उन्होंने बेशक इसको एक एग्जाम्पल के रूप में लिया पूरा हिंदुस्तान में एक नजीर पेश करने के लिए, और ये अच्छा हो, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। जी जी, शुक्रिया यादव जी आपका, आपने आना स्वीकार किया, दर्शकों की ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, फिर मिलते हैं किसी और चर्चा में। जय हिंद, जी धन्यवाद, जय भारत।